मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों के केस में आज टाडा कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। डॉन अबू सलेम को उम्र कैद हुई जबकि दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। अबू सलेम को पुर्तगाल से हुई संधि की वजह से फांसी की सजा नहीं सुनाई गई। ये वही केस है जिसके मुख्य अभियुक्त रहे दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन। 24 साल पहले मुंबई में 12 धमाके हुए जिनमें 257 लोग मारे गए। 12 मार्च 1993 मुंबई में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। 12 धमाकों से दहल उठी थी मुंबई। पहली बार देश में हुआ था आरडीएक्स से धमाका। 257 लोगों की मौत, 700 जख्मी और अब 24 साल बाद मुंबई बम कांड में स्पेशल टाडा कोर्ट का बड़ा फैसला। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम सजा उम्र कैद और 2 लाख का जुर्माना। ताहिर मर्चेंट सजा फांसी। फिरोज अब्दुल राशिद खान सजा फांसी। करीमुल्ला शेख सजा उम्र कैद और 2 लाख का जुर्माना। रियाज सिद्दीकी सजा 10 साल। इन सभी पर बॉम्ब और हथियारों को मुंबई पहुंचाने, पाकिस्तान में ट्रेनिंग करवाने से लेकर साजिश की बैठकों में शामिल होने के जुर्म साबित हुए हैं। इन दोषियों में सबसे बड़ा नाम है अबू सलेम का। मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ कहे जाने वाले अबू सलेम को साल 2005 में पुर्तगाल से अभिनेत्री मोनिका बेदी के साथ प्रत्यर्पण करके लाया गया था। पुर्तगाल से हुई संधि के मुताबिक सलेम को 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती। सलेम 12 साल जेल में गुजार चुका है, वो ज्यादा से ज्यादा 13 साल और जेल में रहेगा। अभियुक्त अबू सलेम को जो एक्सट्रैडिशन ट्रीटी के मुताबिक उसे के फांसी की सजा मांग नहीं सकते थे, इसलिए उसके खिलाफ आजीवन कारावास बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा फरमाई। अभी कोर्ट ने लाइफ दी हुई है। हाँ। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर अंडरटेकिंग कम्यूट करती है तो 25 साल होते। अबू सलेम पे कुल मिला के 9 मुकदमे हैं। 9 मुकदमों में जैन के मर्डर के मामले में जो है प्रदीप जैन के मर्डर के मामले में उसको सजा हो चुकी है उम्र कैद की। तो ये दूसरा मामला है जब उसको उम्र कैद की सजा हो रही है। अभी बाकी मामले उसके बाकी है। कुल मिला के 9 मामलों में से 2 मामले अभी तक उसके हो चुके हैं। एक पासपोर्ट के मामले में भी 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। किसी हीरो की तरह दिखने वाला सलेम पैसा कमाने की ख्वाहिश लेकर मुंबई आया था, लेकिन वो बन गया अंडरवर्ल्ड का खतरनाक डॉन। दाऊद इब्राहिम और मुंबई धमाकों के मास्टरमाइंड टाइगर मेमन के कहने पर अबू सलेम मुंबई बम धमाकों की साजिश में शामिल हुआ था। सलेम पर बम धमाकों के लिए हथियार मुंबई पहुंचाने का जुर्म साबित हुआ था। सलेम मारुति वैन में गोला बारूद और हथियार गुजरात के भरूच से मुंबई लाया था। सलेम ने ही अभिनेता संजय दत्त के घर हथियार पहुंचाए थे, बाद में वहां से हटा लिए गए थे। कोर्ट ने कहा कि हथियार जुटाना साजिश का सबसे अहम पहलू था। हथियार का इस्तेमाल बेकसूरों को मारने के लिए किया गया था। 50 साल का हो चुका अबू सलेम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के सराय मीर का रहने वाला है। 80 के दशक में सलेम मुंबई पहुंचा था। पहले वो मोटर मैकेनिक था, बाद में वो टैक्सी चलाने लगा। 1988 में सलेम मुंबई के डॉन दाऊद इब्राहिम के गैंग में शामिल हो गया और फिर दाऊद के साथ पहले दुबई फिर पाकिस्तान भाग गया। 2002 में सलेम और मोनिका बेदी को इंटरपोल ने पुर्तगाल में पकड़ा। 2005 में सलेम को भारत लाया गया, तब वो जेल में बंद था। अबू सलेम साल 2002 में पुर्तगाल में गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद एक कानूनी लड़ाई चली उसे डिपोर्ट करने के लिए और साल 2005 में उसे डिपोर्ट करके भारत लाया गया। तब से लेकर अब तक यानी कि 12 साल हो गए हैं वो जेल में ही कैद था और उसके खिलाफ ये मुकदमा चल रहा था। 2006 में मुंबई बॉम्ब कांड का पहला फैसला आया था। टाडा कोर्ट ने 123 आरोपियों में से 100 को सजा सुनाई गई थी। 23 आरोपी बरी कर दिए गए थे।
याकूब मेमन को इसी फैसले में सजा सुनाने के बाद 2015 में फांसी दे दी गई थी। सलीम समेत 7 आरोपियों को 2002 के बाद प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया था। टाडा कोर्ट ने 7 आरोपियों के केस की सुनवाई अलग से की। 16 जून 2017 को कोर्ट ने सलीम समेत 6 को दोषी करार दिया था। अब्दुल कयूम को बरी कर दिया गया था। एक दोषी मुस्तफा डोसा की 28 जून को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। बाकी 5 दोषियों को आज सजा सुनाई गई है। मुंबई बॉम्ब कांड में अब तक कुल 106 दोषियों को सजा मिल चुकी है, लेकिन असली गुनहगार दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन अब भी कानून की पकड़ से बाहर पाकिस्तान में छिपे बैठे हैं। जितेंद्र दीक्षित और उमेश कुमावत के साथ मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।